स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे इंक टैंक प्रिंटर के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इंक टैंक प्रिंटर समझने से पहले आपको इंक जेट प्रिंटर समझना पड़ेगा। तो इंक जेट का मतलब आप ये समझिए, जैसे आप लोग कभी पेंटिंग बनाते हैं तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेज़र के बारे में तो सुनते होंगे, लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंक जेट में होता क्या है, कुछ खास नहीं है, आप बस ये समझिए इंक के ड्रॉप्स गिराए जाते हैं पेपर में और खूब सारे ड्रॉप्स से एक पिक्चर बनाया जाता है। और ये सर जो ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ये DPI से आप कितना भी आप ध्यान लगा लीजिए आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आँख को नहीं दिखता है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप पिक होता है और जनरली चार कलर का होता है, CMYK, और सी है इसमें सायान, वाई है येलो, एम है मेजेंटा, के है की कलर, की कलर यानी कि ब्लैक। और के को ब्लैक क्यों बोला जाता है वो आप हमसे मत पूछिए, और आप मेरा पिछला एपिसोड देख सकते हैं कलर कैलिब्रेशन के बारे में, ताकि आपको इसका अच्छा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप ये समझिए कि इस तरह के डॉट्स आप देखेंगे, अगर आप कोई भी फोटो प्रिंट आउट है उसमें थोड़ा सा दूरबीन लगा के देख, दूरबीन बोल रहा हूँ मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें या माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो इस तरह का आपको पैटर्न दिखने को मिल जाएगा। जब काला बोलता है तब काला डॉट गिराया जाता है, लेकिन कोई भी और कलर है जैसे ये हरा कलर है या कुछ भी है, उसके लिए अलग अलग शेड्स गिराए जाते हैं। और आपको तो पता ही होगा, जो लोग आप में से अखबार पढ़ते हैं या अखबार देखते होंगे उसमें नीचे ऐसे चार्टो स्टैम्प दिया रहता है, जिसमें आपको मिल जाएगा, हर अखबार में रहता है जनरली। तो ठीक है, ये तो हो गया, आप ये इंक है। अब इसको समझिए कि इसको कागज़ पर ड्रॉप कैसे करते हैं। पिचकारी तो लेके नहीं बैठा है कोई, तो बहुत पुराने वाले में वही था इस, लेकिन जब इसको मिनिएचराइज किया गया तो ऐसा किया गया कि पानी का ड्रॉपलेट बनाया जाता है। पानी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंक में बहुत हाई परसेंटेज तक पानी होता है, तो वो पानी जब होता है HP वाले सिस्टम में, ये है कि जो प्रिंट हेड है, जो आप इस तरह का देखते हैं ना प्रिंटर के नीचे प्रिंट हेड रहता है, इसमें छेद है, वो छेद इतना छोटा कि अगर वहाँ आप सीधे इंक डाल दीजिएगा वो इंक गिरेगा नहीं, छेद फंसा ही रहेगा, मतलब सरफेस टेंशन के कारण से वो गिर नहीं पाएगा। तो जैसे ही कंप्यूटर कमांड देता है कि यहाँ पे इंक डालो, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल ये किया जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से गर्मी बनाई जाती है, तो वहाँ पे जो पानी है वो भाप बन जाता है, तो उससे वो ठेल देता है, मतलब समझिए ठेल देता है, वो ठेल के एक ड्रॉप गिरा देता है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक पे हो रहा है, इसलिए ऐसा आपका भाप नहीं निकलेगा, आपका क्या बोलते हैं प्रिंटर प्रेस से भाप नहीं निकलेगा, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है और वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि प्रेशर देके वो छोटे से छेद से निकाल सके, नहीं तो अगर छेद बड़ा कर देते तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंक खुद ब खुद बहने लगेगा। इस कारण छोटे अच्छे से, और इसे कंट्रोल भी मिल जाता है कि इलेक्ट्रिकली वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं कि कहाँ पर कितना इंक डालना है। फिर एक दूसरा सिस्टम है जो एस्पेन इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं पीएजो इलेक्ट्रिक। जैसे आपका आप तो देखते होंगे पतला सा जो स्पीकर आता है, एकदम पतला सा डिस्क जैसा स्पीकर आता है, जो मतलब आवाज़ इलेक्ट्रिसिटी से वाइब्रेट होता है, तो जैसे ये लोग भाप का मतलब स्टीम थर्मल का इस्तेमाल करके ये लोग इंक पुश करते हैं, उसमें स्पीकर जैसा सिस्टम रहता है पुश करता है, तो पीएजो इलेक्ट्रिक वाला वो है, वो एस्पेन इस्तेमाल करता है। सबका अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है, मतलब एक में रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलता है, थर्मल में कहा जाता है कि रेजोल्यूशन ज़्यादा देता है, और पीएजो में कहा जाता है कि इंक किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि आप समझिए कि दूसरे मामले में पानी का कॉन्टेंट होना चाहिए, नहीं तो वो भाप नहीं बनेगा, या तो वोल्टेज बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा, तो समझ रहे हैं तिकड़म होने का चलते। और यही प्रिंट हेड आपके कार्ट्रिज में होता है, तो अगर आप इस तरह का कार्ट्रिज देख रहे हैं तो उस कार्ट्रिज में जनरली नीचे प्रिंट हेड रहता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको हमेशा जब भी आप लोगों से कोई प्रिंटर खरीदा होगा उसका बिजनेस एकदम समझ में नहीं आएगा कि प्रिंटर का दाम बहुत सस्ता है, इंक का दाम उतना महंगा क्यों है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप प्रिंटर लेते हैं, ये 1800 का प्रिंटर है, ये उसका इंक कहीं 1800 का लग रहा है, तो आप बोले यार ई कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 2 किलो का सामान 200 ग्राम का सामान के बराबर कैसे दाम हो सकता है, और उसमें सारा चीज़ है, उसमें मोटर है, मेटल है, सब चीज़ है, तो कैसे उसका दाम मतलब इसके बराबर हो सकता है। तो इसको आप ये समझिए, बिजनेस में एक मॉडल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लेड एंड रेजर मॉडल। तो मतलब समझिए कि आपको रेजर सस्ते में दे दिया जाएगा, ब्लेड से आपसे प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो जब भी आप शेविंग करते होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि मतलब आपका हैंडल का दाम तो बहुत हुआ तो 100-200 रुपया रहता है, लेकिन आप कार्ट्रिज जो लगाते जाते, 3 ब्लेड 4 ब्लेड कार्ट्रिज लगाते जैसे इस तरह का है, दाम तो यही सब खाता है ना, तो यही तिगड़म है। इसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे कोटैक जो पहले कैमरा बनाता था, कैमरा से उसको प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन आप रोल जो खरीद रहे हो उससे उनको प्रॉफिट होता था। तो इसी को कहा जाता है रेजर एंड ब्लेड मॉडल। तो आप ये समझिए कि प्रिंटर को ये लोग बहुत कम फायदे में, नुकसान में नहीं बेचते थे, नुकसान में कोई नहीं बेचता है, कम फायदे में बेचते थे। मान लीजिए 100 रुपये का प्रिंटर अगर बन रहा है तो ये आपको 150 में दे रहे थे, बहुत कम प्रॉफिट, लेकिन इंक जो था 10 रुपये में बना रहे थे और 1000 रुपये में इंक आपको बेच रहे थे। तो यही है कि मतलब प्रिंटर आपका इतना सस्ता आता है कि लोग प्रिंटर का दाम, जैसे मैंने शुरू में प्रिंटर लिया था 1600 रुपये में था, मतलब बस
मतलब हाँ, मैं उस टाइम जॉबलेस था तो मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 2,000 के नीचे आजकल क्या है 2,000 का, तो उतना कम दाम में। और जैसे ही आप इंक खरीदने जाइए, बोले लिए 1,800 रुपया, 500 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया, 1,300 रुपया, 2,300 रुपया, इतना दाम का इंक क्यों आता है? तो ठीक है, ये बिजनेस था। अच्छा ठीक है, आप कोई भी बिजनेस हो, कस्टमर का एक्सपीरियंस से फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए रेज़र पे आप उतना नहीं सिर पकड़ाते हैं, क्योंकि आप जितनी बार नया रेज़र लेते हैं आपका एकदम बिंदास शेव हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये था कि इतना धोखाधड़ी ये लोग करने लगे प्रिंटर कंपनी की, पब्लिक था मतलब जो आप और हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो पागल हो गए। मतलब रेज़र के केस में तो ठीक है, आप नया रेज़र ले रहे हो, बिंदास शेव हो रहा है, इसमें आप उतना पैसा भी लगा रहे हो और सिर पीट रहे हो। तो इतना प्रॉब्लम आ गया कि मतलब 1,800-1,900 का आपने ले लिया, एक बार उसमें कार्ट्रिज मिल गया, आपने प्रिंट मारा। जैसे ही आप दूसरा कार्ट्रिज लेने गए, तब पता चला कि ले हम प्रिंट ही नहीं कर सकते इससे, क्योंकि पर प्रिंट जो है मतलब एक A4 साइज़ का शीट प्रिंट करने में आपको 5 से 10 रुपया लग रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा मतलब आप स्कूल में हो, मतलब मान लीजिए आपको ऐसे ही प्रिंट करना है, या आप कॉलेज में है जहाँ पे आपको रिपोर्ट देना है, तो कम से कम 400-500 पेज तो आप प्रिंट हो ही जाएगा। मैं सालों भर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं पर दिन आपको उतना चाहिए। मतलब अगर पर दिन उतना चाहिए तब तो लेज़र लीजिए, लेकिन जब आप इस तरह इतने लंबे देखते हैं तब तो समझ में आता कि मतलब लुट जाइएगा। अच्छा ठीक है, आप बोलिए हम पैसा उतना दे देते, ठीक है हम दे देते, हम इतना करोड़पति हम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये होगा कि अनरिलायबल है और शॉर्ट लिफ्ट है। अनरिलायबल वो इसलिए है कि चूँकि प्रिंट हेड जो है कार्ट्रिज में बनाया जाता है, तो जनरली प्रिंट हेड को सस्ता से सस्ता बनाने की कोशिश की जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि सस्ता से सस्ता कोई चीज़ इंजीनियरिंग का अगर बनेगा तो वो कम से कम ही चलेगा। तो तिगड़म ये हुआ कि अगर आप ज़बरदस्ती का प्रिंट हेड में मतलब इंक टैंक से ज़बरदस्ती रिफिल भी कर देते तो भी कार्ट्रिज जाम हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो बना ही नहीं है ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसके बाद ये समझिए कि प्रिंटर कंपनी ऐसा नहीं की कि ठीक है HP ने एक प्रिंटर बनाया, कार्ट्रिज बनाया, ठीक है भले कार्ट्रिज का जो भी दाम है ठीक है, ऐसा नहीं किया कि नया प्रिंटर आया तो उसमें वही कार्ट्रिज लगेगा। हर प्रिंटर के लिए अलग अलग कार्ट्रिज है, इसीलिए इतने सारे नंबर आते हैं कार्ट्रिज के, 606 कार्ट्रिज, 608 कार्ट्रिज, 612 कार्ट्रिज, सब एक जैसा तो कार्ट्रिज है, एक जैसा इस्तेमाल करो ना। मतलब आप खरीद नहीं सकते, मतलब आप HP के बड़े से बड़े दुकान में जाइएगा, चांसेस होगा कि अरे आपका ये प्रिंटर का, सर इस प्रिंटर का तो इंक ही नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि इंक नहीं बन रहा है, लेकिन वो कार्ट्रिज इन्होंने बार बार डिज़ाइन बदल दिया, तो लीजिए आप लटक गए। तो ऐसा समझिए कि आप भरोसा नहीं कर सकते, आप इतना पैसा दे रहे हो आप भरोसा नहीं कर सकते, जबकि आप अपना जेलेट का रिजर्व पे भरोसा कर सकते। मैं जेलेट का ट्विन मार्क टू इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई साल से कर रहा हूँ, अभी तक चलता रह रहा है और मुझे भरोसा है कई साल और चलेगा। प्रिंटर में तो आपका समझिए कि इंक आना मतलब 3-4 साल के अंदर बंद हो जा रहा था, और एक तो इतना महंगा था और प्लस आप रख नहीं सकते इसको, क्योंकि वो जाम ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है रख लिए कभी कभार इक्का दुक्का, नहीं वो जाम हो जाएगा। तो आप समझिए कि इतना पैसा देने के बाद भी वो ना तो टिकाऊ है ना तो चलता है ज़्यादा। और फिर कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब लूटने पे आ गई, पापी बन गई कंपनी। मतलब ठीक है इतना महंगा चीज़ आप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पब्लिक का एक्सपीरियंस अच्छा है पब्लिक उतना नहीं सिर पीटेगी, ठीक है भाई पैसा लग रहा है लेकिन आपको अच्छा इस्तेमाल हो रहा है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा था, मतलब ऐसा कॉटेक का आप कैमरा भी ले रहे हो, आप रोल भी ले रहे हो और रोल आपका ख़राब आ रहा है बार बार, तब तो आप बोलोगे ना भाई इसका क्या मतलब है। तो आप समझिए कि एक बार में कंपनी इतनी पा करने पे उतर गई कि उन्होंने स्मार्ट चिप लगा दिया। ये स्मार्ट चिप जो होता था इसका काम सिर्फ एक था, बस आपको गलत इंक रीडिंग देना। मतलब मान लीजिए इंक 0 to 100% था, जैसे ये 50% तक पहुंचने लगता था वो सीधे इंक एम्प्टी बता देता था, तो प्रिंटर आपका प्रिंट करना बंद कर देता था। तो आप निकालिए दोबारा डालिएगा फिर से वो प्रिंट करने लगेगा। मतलब पहले के स्मार्ट चिप में उतना स्मार्टनेस नहीं था, वो तो बस 50% पे फेंकवा दे रहा था। मतलब समझिए आपने दाम दे के खरीदा है उसके बाद भी ये 50% पे फेंकवा रहा है आपसे। अब मतलब जो जो लोग बाद में हैक करने लगे इसको कि मतलब इसको तोड़ दिए चिप को या दोबारा लगाने लगे, उसके बाद ऐसा ऐसा फर्मवेयर लिखने लगे मतलब कंपनी कि वो फर्मवेयर आपको चलाने नहीं देगा। मतलब आप ये बिना ये सब स्मार्ट चिप के आपका कार्ट्रिज चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मतलब आप चाइनीज़ का ले लीजिएगा चलेगा ही नहीं, वो कर नहीं रहे। और मान लीजिए उनको लीक पता चल गया कि चाइना वाले ने कुछ कर लिया है, तो दोबारा फर्मवेयर लगाएंगे कि वो ज़बरदस्ती का चलने ही नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने महंगा चीज़ खरीदा और आपका ठीक है महंगा पड़ रहा है ठीक है हम दे देंगे पैसा, लेकिन आप महंगा खरीद के भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर उसके बाद इतना लूटने पे आ गए कि जब ये होने लगा कि सब लोग समझ गए भैया प्रिंटर का कोई मतलब है नहीं, कलर हम प्रिंट नहीं कर सकते, हम ब्लैक एंड व्हाइट में ही खुश रह लेते हैं, ठीक है भैया ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ही छापना है तो ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट से काम चले। तो कंपनी इस हद तक उतर गई कि कंपनी ने ये किया सॉफ्टवेयर में जाके ये कोड कर दिया, जब भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर रहे हैं ज़बरदस्ती का उसमें ब्लू डाल देगा, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक के ऊपर आप ब्लू डालिएगा तो नहीं दिखेगा ना। तो इसको कहें कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट या मतलब क्या चूतिया पा के नाम पे, मतलब समझिए सीधा सीधा लूटने पे आ गई, सीधा सीधा मतलब लूट रही थी। ऐसा नहीं था कि आप पैसा दे रहे हो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, यहाँ पे था पैसा दे रहे हैं और आप अपनी ही सिर पिटवा रहे हैं। मतलब और ज़बरदस्ती का प्रिंटर का सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा जाता था
कि ब्लैक एंड व्हाइट का अगर आप प्रिंट भी दे रहे हैं और कलर इंक खाली है तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा जब तक वो उसको मतलब छेड़िए नहीं या हैक नहीं कीजिए या ज़बरदस्ती का उसके यहाँ ऊपर से इंक ना डाल दीजिए। तो समझ सकते कि मतलब ज़बरदस्ती का ये लोग लूटने पे आ गए थे, मतलब एकदम नहीं हम लूटबे करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप लुटा के आप खुशी मिल जाएगा, ठीक है जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत महंगा चीज़ है आप ले लेते हो और उसके बाद बोलते हो चलो ठीक है मतलब अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, 5 Mark 5 razor लेते ठीक है लेकिन एक बार में तो शेव तो हो जा रहा है, ये तो उल्टा था, मतलब आप 5,000 रुपये का ब्लेड ले रहे हो और वो सीधे आपके शेविंग भी नहीं कर रहा है। तो समझिए बहुत ईवल लेवल पे उतर गए थे, मतलब सीधे पापी लेवल पे उतर गए थे। तो इससे एस्पेन और मतलब सब कंपनी का धीरे धीरे प्रिंटर का बिक्री कम होने लगा, मतलब एक बार जो लोग बेवकूफ़ बन गए तो कब तक बनेंगे। तो एस्पेन जो था बहुत नीचे गिर चुका था इसके चलते, और इस एचपी और कैनन जो था वो सब तो टिका हुआ था मार्केट पर। तो एस्पेन क्या किया कि भैया डूबने से बचने के लिए इन्होंने इंक टैंक सिस्टम होता, इन्होंने बोला ठीक है भैया हम सस्ता प्रिंटर नहीं बनाएंगे जो मतलब 5-6 दिन में बेकार हो जाता है, इन लोग ऐसा प्रिंटर बनाए जो कि मतलब टिकता है ठीक है। और इन्होंने बोला कि भैया ठीक है काटरी जब हमारा कोई खरीद ही नहीं रहा, जब सब लोग ज़बरदस्ती का मेहनत करके चाइनीज़ कर रहे हैं हम ही बेच देते हैं इंक। तो उन्होंने क्या किया इस तरह के सिस्टम बनाए इंक बॉटल सिस्टम कि कार्ट्रिज जो है यानी प्रिंट हेड वो आपके प्रिंटर में पहले से लगा रहेगा और बाहर हम टैंक दे देंगे, आप टैंक में जो डालना है डालिए, आपको हम अपना इंक देंगे आप डालिए, अगर आपको चाइनीज डालना है आप डालिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा इंक टैंक सस्ता है। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि आप 2,000 रुपये दे के पहले आपको 2,000 रुपये देने पे जो मतलब आप मैं सेट की बात कर रहा हूँ कलर और ब्लैक एंड व्हाइट खरीद यानी CMY और K का जो कार्ट्रिज खरीदते थे वो 2,000 रुपये में बहुत हुआ तो 400 पन्ना से 800 पन्ना देगा। तो अब 2,000 रुपये आप देने पे ये चारों इंक आप खरीद सकते हैं और लगभग लगभग 7,000 पेज के आसपास तक जा सकता है, मतलब 5,000 पेज तो आराम से मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब प्रिंटर अब भले महंगा हो गया, पहले का प्रिंटर मान लीजिए 2,000 में आता था तो अब का प्रिंटर 7,000 में आ रहा है, लेकिन आप प्रिंट कर पाएंगे, आप सिर नहीं पीटिएगा क्योंकि मतलब जब देखो तब ये जाम हो जा रहा है, जब देखो तब ये हो जा रहा है, क्योंकि आपको बीच बीच में प्रिंट करना चाहिए ताकि जाम ना हो, तो आप कर नहीं पाइएगा अगर आपको कार्ट्रिज इतना महंगा है, कार्ट्रिज अगर इंक सस्ता है तो आप प्रिंट कर सकते हैं बीच बीच में, ठीक है चलो यार बीच बीच में प्रिंट कर लो। और एस्पेन तो मतलब बोल रहा था मैंने इनका रेपुटेशन बहुत गंदा खराब हो गया था, मतलब इनका प्रोफेशनल मार्केट से कैनन लूटे जा रहा था, पब्लिक मार्केट से ये एचपी लूटे जा रहा था। तो इन्होंने मतलब इंक टैंक उतारा, इंक टैंक का जब सब लोग कॉपी कर लिए कि मतलब कैनन और एचपी भी इंक टैंक बना रहा है, ब्रदर भी इंक टैंक बना रहा है, तो इसके बाद ये वापस आते हैं और इन्होंने अपना इंक टैंक में एक नया डेवलपमेंट किया, ये अभी इंडिया में नहीं आया लेकिन कुछ दिन में आ जाएगा। इसमें यह है कि इंक टैंक का जो बॉटल है इस बॉटल में एक ढक्कन जो लगाया है खास तरह का है। तो आप जैसे मान लिए बहुत लोग को ये समस्या होगा ना कि जैसे अरे यार मान लीजिए 4 टंकी आप गलती से किसी और में डाल दिए, मतलब येलो वाले मतलब स्लॉट में आपने काला डाल दिया, तो ऐसा है इनका स्लॉट जो है इनके इंक बॉटल एक जैसा फिट ही होगा, मतलब आपका काला आप पीला में नहीं डाल सकते, पीला आप नीला में नहीं डाल सकते। तो इस कारण से वो झंझट भी हटा दिया कि मतलब खोलो निकालो, और ये सब वैक्यूम सील्ड आता है और आप लगा के ऊपर रख देना, आपको सोचना भी नहीं है, लगा के ऊपर रख दीजिए वो उतना ही बहेगा जितना उसमें जाएगा। तो मतलब समझिए एस्पेन काफ़ी कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे एस्पेन डालते जाएगा कुछ दिन में ये लोग भी डालने लगेंगे। तो ये था इसी कारण से इंक टैंक आ गया दुनिया में कि मतलब ज़बरदस्ती का जब लोग लूटने पे आ गए, जब लोग सीधे हाथ ही खड़ा कर दिया भाई मतलब हम तुमको 50-60 हज़ार दे के भी अगर हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है तुम्हारा, मतलब जब ऐसा होने लगा, जब मतलब लोग रो के हाथ धो दिए भैया हम नहीं खरीदेंगे प्रिंटर। आप देखते होंगे शुरू शुरू में प्रिंटर मतलब सब कंप्यूटर में बेचा जाता था लेकिन अब लोग खरीदते ही नहीं, मतलब भाई मतलब अब कितना भी बुड़बक हो एक पॉइंट के बाद तो आप बोलोगे ना कि भाई हम करोड़पति हैं लेकिन अब पैसा दे के हम अपनी नहीं मतलब समझ बर्बादी नहीं करेंगे। तो इंक टैंक आ गया, लेकिन मैं आपको कहूँगा अभी भी अगर आप इंक टैंक खरीदना चाहते हैं दो चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, पहला अगर इंक टैंक प्रिंटर बहुत ज़्यादा सस्ता है तो उससे दूर रहें, सस्ता प्रिंटर जनरली सस्ता ही होता है, प्लीज़ उससे दूर रहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये कैनन प्रो प्रिंटर बनाता है, जो प्रो प्रिंटर यानी फोटो प्रिंटर मतलब जिस प्रिंटर पे फोटोग्राफर्स लोग का काम होता है, वो सब प्रिंटर में कभी ऐसा शिकायत नहीं आता है कि मतलब उसका इंक जाम हो गया या कार्ट्रिज फेल हो गया, क्योंकि वो महंगा होता है और उतना जो महंगा बनाते हैं उसको कोशिश की जाती है कि भाई कस्टमर सर्विस दिया जाए, क्योंकि जो महंगे उतना खर्च कर रहे हैं उनको गुस्सा कर दिया आप तो वो आप कंपनी ले डूबेंगे। तो इस कारण से आप समझिए अगर कोई आपको प्रिंटर बेच रहा है कि भैया ये 2,000 का प्रिंटर इंक टैंक ही हो और कोई बोल रहा है 5,000 का इंक टैंक है, तो 5,000 का इंक टैंक पर खरीदने का कोशिश की है, क्योंकि जनरली अगर बहुत सस्ता है तो चांसेस है कि कहीं कहीं पैसा इन्होंने बचाया है जो कि आपको बहुत बुरा नुकसान करेगा। दूसरा, आपको अगर वाईफाई प्रिंटिंग चाहिए
पहला तो ये आइडिया आप छोड़ दीजिए, वाईफाई प्रिंटिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में काम नहीं करता है। वो इसलिए है क्योंकि ये जनरली ये सब प्रिंटर में प्रॉब्लम ये होता है कि जो वाईफाई चिप लगाए जाते हैं वो सिर्फ चिप लगाते हैं, एंटीना नहीं लगाते हैं। आपके मोबाइल में चिप वाला अगर वाईफाई है तो आप बहुत कम रेंज मिलेगा, एंटीना लगाने से रेंज बढ़ जाता है। ये सब में एंटीना जगह तो बहुत है लेकिन लगाते नहीं है, तो उससे ये होता है कि कोना में आप रखोगे प्रिंटर हमेशा, अब कोना में रख दोगे ये नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और बहुत फजीहत होगा, प्लस आपका नेटवर्क कोई और भी एक्सेस कर सकता है। वाईफाई में कितनी बार हर दिन पासवर्ड बदलोगे क्या? मान लीजिए तुक्के से कोई पासवर्ड गेस मार लिया तो गया आपका। तो आपको कहूंगा कि अगर आपको नेटवर्क प्रिंटिंग चाहिए तो प्लीज़ ईथरनेट पोर्ट पे जाइए, ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा खुश रहिएगा आप, क्योंकि ईथरनेट काम करेगा। आपने एक बार उसके पीछे ईथरनेट पोर्ट लगा दिया आप खुश, आप वो काम करेगा, मतलब आँख बंद करके आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं मेरा, मैं अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट पर नेटवर्क आपको थोड़ा सा तिगड़म हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं डायरेक्ट कि मतलब आप मोबाइल से अपने राउटर को भेजिए, राउटर जिसमें बड़े बड़े एंटीना है जाके आपको हर जगह मिल जाएगा कवरेज, उससे आपके प्रिंटर में प्रिंट हो जाएगा। तो ये सब होने के कारण इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि बहुत अगर कोई चीज़ सस्ता है तो 99% चांस यही है कि वो कचरा ही मिलेगा आपको, इसलिए पैसा ऐसा मत बचाइए कि आप अपना ही सिर पीटें, ले लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप प्रिंट नहीं कर पाते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंक टैंक प्रिंटर के बारे में, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए #S2T in Hindi और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो घंटी भी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।